नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। धनबाद के बरमसिया क्षेत्र में नकली मोबिल बनाने का कार्य तेजी से चल रहा था, जिसके बाद सूत्रों से पता चला तो धनबाद के SDM ने छापा मारा और वही चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। धनबाद के बरमसिया क्षेत्र में भारी मात्रा में नकली मोबिल बनाने का कार्य तेजी से चल रहा था। सूत्रों से पता चलने के बाद धनबाद SDM उमाशंकर सिंह ने चिन्हित स्थान पर छापा मारा और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। छापा मारने पर उस जगह से भारी मात्रा में गल्फ प्राइड चार्टी का खाली डब्बा, मोबिल को रिफाइन कर मशीन, मोबिल से भरे ड्रम और भी बहुत से उपकरण थे जो वहां से बरामद हुए हैं। SDM उमाशंकर सिंह का कहना है कि गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ मिलकर जितने भी लोग इस जालसाजी में शामिल थे उनका खोज अभियान जारी है, जल्द ही उनका पता कर उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। सर उसे दो दिन पहले एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे धनबाद में एक बड़ा बड़ा नेक्सस है, जो मोबिल जो हम लोग अपने फोर व्हीलर टू व्हीलर में डालते हैं वो डुप्लीकेट बना के बाजारों में बेचा जा रहा है। तो इस संदर्भ में जो गल्फ कंपनी है जिसका हम लोग मोबिल जनरली यूज़ करते हैं, तो उसकी कंपनी के 28% यहाँ पे आए, उन लोगों ने बताया। तो ही वाज रेकिंग, वो पिछले एक महीना से वो रेक कर रहा था एंड ही कन्फर्म हो गया था कि सर ये लोग कर रहे हैं, तो सिर्फ उन लोगों को टैपिंग करना था। फिर हम लोगों ने उसी अनुसार ये कार्य किया और आज जब पता चल रहा है तो वर शॉकिंग कि हमारे धनबाद की एक आम भोली भाली जनता जो अपने गाड़ी को इस्तेमाल कर रही है टू व्हीलर फोर व्हीलर, और उसमें हम लोग नकली मोबिल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे गाड़ियाँ जनरली ख़राब हो जा रही हैं। तो आज उसी के क्रम में आज जिनके यहाँ रेड हुआ है तो पाया गया कि सारे कंपनी, चाहे वो गल्फ का हो, HP का हो, मैक्स का हो, सारे स्टिकर्स हैं इसके यहाँ बजाते मशीनें हैं, ये डुप्लीकेट बना के बाजारों में बेच रहे हैं। तो इस पर विधि सम्मत अब कार्रवाई होगी और इसमें जो भी नेक्सस में और लोग जुड़े हुए हैं उन पर भी अभी हम लोग सख्त कार्रवाई करके उनके यहाँ भी रेड की जा रहे हैं। सर कितनी मात्रा में यहाँ पकड़ा हुआ? मुझे जहाँ तक अभी हम लोग आके देखे हैं तो 300 से 400 लीटर मोबाइल्स इसके यहाँ पड़े हुए हैं, प्लस सारे स्टिकर्स यहाँ हुए हैं जिसके द्वारा ये ब्लैकमेलिंग करता है। और अभी जो इनके रंगे हाथ पकड़े गए थे लगभग 200 लीटर का डब्बे में डाल के वो अपना हैंडओवर कर रहा था जिसने इनकी रेकिंग की थी। तो यहाँ पे एक ह्यूज लेवल पे ये नेक्सस चल रहा था यहाँ पे। लगभग कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी इसमें जो हैंडओवर वाले केस में तो चार लोग हैं, दो ड्राइवर हैं जिसने इसके प्रोडक्ट्स को जो कंसाइनमेंट था उसको उन्होंने हैंडओवर किया था, और मेन जो दोषी है जो यहाँ पे संचालन करता था उसको हम लोगों ने पकड़ के रखा है। एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पता चलेगा कि उसके साथ और कितने नेक्सस में थे, जिन दुकानों ने भी इनके साथ सामान खरीदी है। अगर कोई दुकानदार भी इनसे रेगुलर सामान खरीदते थे तो वैसे दुकानदारों पर भी हम लोग चिन्हित करेंगे। अगर इन लोगों ने बताया कि सर ये दुकान हमारे रेगुलर कस्टमर थे, क्योंकि उनकी भी संलिप्तता इसमें कहीं ना कहीं जग जाहिर होगी भविष्य में। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।